लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बात है आज तुम्हारी बंसी बहुत बात कर रही है। बात भी करेगी गीत भी गाएगी क्योंकि मेरे गुरुजी ने जो छू दिया। गुरुजी? कौन गुरुजी? बोले टकलुआ जब तक मैं तुझे सिखा ना दूंगा गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा। अच्छा लेकिन कौन है वो, क्या नाम है? क्या बजाते है वो? बस किशन भगवान उनके सामने बीज पड़ जाए तो पड़ जाए, और कोई तो मेरे गुरु के सामने टिक ही नहीं सकता। गुरु हो तो ऐसा। अब तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे गुरु को? बहुत जल्दी, बस 5-10 साल में लोग मुझे पंडित टकलुवार बुलाएंगे ना। दीदी आप भी बुलाएंगी ना? मैं तो आज से ही बुलाऊंगी। ठीक है, मेरे गुरुजी का नाम है हरिमोहन। अच्छा हाँ। उन्होंने ये दिया? ओ। फिर बोले किसकी पूजा कौन करेगा, कोई ऐसा हो जिसे संगीत का ज्ञान हो। मैंने कहा संध्या दीदी जो है। अरे मुझे बीच में क्यों लाए? मैं कल आया, गुरुजी लाए, वो आपकी बहुत बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ उन्होंने आपका नृत्य भी देखा है और कह रहे थे कि उनके घुंघरू में सरस्वती निवास करती है, और उन्होंने कहा कि पूजा भी उन्हीं से करवाना। दीदी कीजिए ना, कीजिए कीजिए ना दीदी। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए आती हूँ। अरे ये क्या हुआ, लगता है धूप में सिर सूख गया, फिर वही फुई फुई। बस बस बहुत हो गया, धन्यवाद। ये लो इसमें बांध दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी मेरा हाथ का छुआ कैसे खाएंगे, नहीं खाएंगे ना। उनके लिए मैं और देती हूँ, तू तो ही खा ले। खोलिए खोलिए। तूने मेरे बारे में जरूर कुछ बताया होगा, इसलिए संध्या जी ने इतना सब कुछ भेजा। मैंने क्या कहा, दीदी तो सब जानती है आपके बारे में। मेरे बारे में? मैं तो एक परदेसी हूँ। मैं आपके बारे में बब्बा करा था, दीदी अक्लमंद है ना, वो मेरे बब्बा को जान रही थी और आपके बारे में सब जान गई। वो कैसे? मैंने कहा कि जब हम मंसी में फूंक करते हैं तो उस तरफ से उफ्फू ही निकलती है, लेकिन जब गुरुजी फूंक करते हैं तो क्या धुन निकलती है, और वो भी क्या सुर में। और जब मैं ये कह रहा था तो दीदी ऐसे सुन रही थी। अच्छा फिर इसी से पता चल गया कि आपको संगीत का कितना ज्ञान है। फिर मैंने कहा कि गुरुजी यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक मैं बंसी ना सीख लूं। फिर उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा कि गुरुजी आपके नृत्य की बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, सिर्फ ऐसे देखा जैसे आपको देख रहे हो।
मैं तेरी बातों का विश्वास कैसे कर लूं? आप पूछिए, मैं जवाब ले आता हूं। दीदी 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 दीदी, क्या है ये चिट्ठी? चिट्ठी? हाँ, आपने खाना भेजा, दे दिया। उन्होंने चिट्ठी भेजी, दे दिया। जवाब दोगी? दे दूंगा। दीदी? हाँ, जल्दी जवाब दीजिए, मुझे जाना है। अरे अरे गुरुजी, 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 जल्दी आइए, जल्दी आइए, मैं आपके सवाल का जवाब ले आया हूँ, जवाब ले आया हूँ, आइए ना। अरे क्या हुआ? जल्दी आइए, जल्दी आइए, जवाब ले आया हूँ। कब लाओगी? जब आप बंसी की पूजा करेंगे।